मोदी 17 से 18 दिसंबर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो एक बार फिर काशी वासियों के लिए सौगातों की बरसात करेंगे। इन सौगातों में इस बार वाराणसी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, जो कि दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली रूट पर चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को इसे हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी से दिल्ली रूट काफी व्यस्त रहती है। वंदे भारत समेत 4 ट्रेन सीधे तौर पर वाराणसी से बनकर दिल्ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद यात्रियों की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने काशीवासियों के दर्द को समझा और बेहतर यात्रा के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है, जो कि 18 दिसंबर से ट्रैक पर चलनी शुरू हो जाएगी। इस वंदे भारत का रूट वाराणसी से प्रयागराज कानपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। ये वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से संचालित होगी। देखिए 18 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में जो कार्यक्रम है, उसमें हमें सूचना मिली है कि उनके द्वारा एक वाराणसी से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किया जाएगा। जो ट्रेन वाराणसी से उनके द्वारा फ्लैग ऑफ की जाएगी, ये ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलेगी। इसका अभी रेगुलर टाइमिंग्स और रेगुलर डेट्स अभी नहीं आया है, एक दिन के अंदर उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। ये ट्रेन क्या अयोध्या होते हुए जाएगी? अभी जो इनिशियल हमें फीडबैक मिला है, जो इनॉग्रल रन है वो है प्रयागराज कानपुर होते हुए नई दिल्ली का रूट है। आपको बता दें कि इससे पहले देश के पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को ही मिली थी, जो कि वाराणसी से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक साबित हुई। ऐसे में पीएम मोदी अब दूसरी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी को देकर वाराणसी के लिए एक बड़ी सौगात देने जा रही है।